युवाओं को रोजगार देने के नाम पर उनसे धोखाधड़ी करने का आरोप एंजल ब्रोकिंग नाम के एक संस्था पर लगा है। इसी को लेकर पीड़ितों ने रिछड़ा थाना में एंजल ब्रोकिंग के नाम से लिखित सामूहिक शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है। पीड़ितों ने बताया कि रिछड़ा स्थित एंजल ब्रोकिंग नामक एक संस्था के शाखा ने करीब 150 युवाओं को रोजगार देने का भरोसा दिलाया था। उन्हें शेयर मार्केट के काम के डेटा एंट्री के लिए रखा गया। उनसे कहा गया कि उन्हें मासिक वेतन के तौर पर योग्यता अनुसार 7,000 से 25,000 तक दिए जाएंगे। उन्हें एक लैपटॉप देने का भरोसा भी दिया गया था, जिसके अवज में उनसे 2,500 रुपए ले लिए गए, लेकिन ना तो लैपटॉप मिला ना ही वेतन। 3 महीने इंतजार के बाद अंततः युवाओं ने मंगलवार को रिछड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। यह सभी युवा रिछड़ा और आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। पीड़ितों ने कहा कि एंजल ब्रोकिंग एक प्रतिष्ठित संस्था है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। उसके शाखा संचालक कंपनी की आड़ में युवाओं को धोखा दे रहे हैं। कौन सा कंपनी का नाम बताइए, एड्रेस बताइए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि बॉम्बे स्टॉक का है, नंबर 1 में आता है। और ये धोखाधड़ी कभी नहीं कर सकता, ये फ्रॉड कंपनी नहीं हो सकता है। इसका डिटेल हम लोग निकाल चुके हैं, पर ये पहली बार एंजल ब्रोकिंग ऐसा काम किया है, तो इसके लिए हम लोग एक्शन लेने के लिए यहाँ पे सबको आए। रिश्वत थाना हम लोग सबको आए, बस यही बात है कि एंजल कभी फ्रॉड नहीं हो सकता है। और इसमें जितने भी जन काम कर रहे हैं वो फ्रॉड नहीं हो सकते, क्योंकि ये जेन्युइन कंपनी और नंबर 1 स्टॉक कंपनी है, शेयर मार्केट का सबसे फर्स्ट कंपनी है बॉम्बे स्टॉक का। आज यहाँ पे आए, इकट्ठा हुए हैं, तो उसका क्या कारण है? हम लोग को अभी तक 3-2 महीना जितना दिन भी हम लोग काम किए उसका एक भी पेमेंट हम लोग को नहीं मिला गया है, बल्कि हम लोग को 2,500 रुपए इन लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से ले लिया गया था, जिसमें इन लोग बोला था हम लोग को कि हम लोग आपको लैपटॉप देंगे आफ्टर 15 डेज, ज्वाइनिंग के 15 डेज के अंदर। जब यहाँ पे 4 मैनेजर थी, इसमें पहली IUC मैम जो PA थी, पर्सनल असिस्टेंट थी, जो कि आफ्टर 1 मंथ बाद उसको वो निकल गई, ठीक है। उसके बाद उसके जगह जयंती मैडम ली थी, जयंती पांडे जिसका नाम है, वो ली थी, उसके जगह PA बनी। और तो उसके बाद यहाँ पे 3 मैनेजर है हम लोग की, जिसका नाम है नीतू मैम, अमृता मैम, और तीसरी ये थी मिथिलेश सर, बीनू मैडम थी। इन लोग सबको ही हम लोग को ग्रुप बनाया था। सबके ग्रुप में कम से कम 30 से 40 लोग हर मैनेजर के अंडर में थे। एक बार मैं नीतू मैम के अंडर में गई, एक बार मैं जयंती मैम के अंदर में गई, और तीसरी बार मैं बीनू मैम के अंदर में गई। मतलब 3 बार इन लोग ग्रुप बनाया, चौथा पहला ग्रुप में जब ज्वाइनिंग हुआ था तब बनाया, मतलब कम से कम 5 ग्रुप बना था। और जब तीसरा महीना हो गया तब इन लोग जब ज्वाइन कर रहा था हम लोग को, तब एक ग्रुप बनाया गया जिसमें कि लोगों को छांट दिया गया, और सबसे पहले छांटा गया है एनजीओ के मेंबर को, जिसमें एनजीओ के टोटल मेंबर को छांटा गया, जिसमें एक भी एनजीओ का मेंबर इंक्लूड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड कौन है, 90 जन, मतलब 150 लोग काम किया है और है सिर्फ 90 जन। और 90 जन में कल ये लोग मैसेज किए हैं, नीतू मैम का वॉइस मैसेज आया है कि आप लोग को सैलरी से रिलेटेड जो भी बात करना है, कोई प्रॉब्लम है तो कल 1 बजे आइए। तो आप सब 1 बजे आया। सैलरी कितना है यहाँ का? हम लोग को सैलरी 11,500 रुपए बोला है, जिसमें बोला गया है कि PF कटेगा, बट हम लोग को 9,000 ही रुपया बोला गया मिलेगा। 1 रुपया तो भी मिला? 1 रुपया नहीं मिला, 9 तो छोड़ दीजिए। और लैपटॉप का भी पैसा ले गया? लैपटॉप का पैसा मिला? कितना लिया गया था लैपटॉप का? ठीक है, ये जो डायरेक्टर है उसका नाम क्या है? विष्णु तिवारी। ठीक है, वो